नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राम मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की अपील की है। स्वामी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है और राम जन्मभूमि में कानूनी पहलुओं को लेकर अपनी पुरानी राय जाहिर की। उन्होंने लिखा है कि पीएम को एक चिट्ठी में मैंने बताया कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की दरकार है, उनको ये गलत कानूनी सलाह मिली है। नरसिम्हा राव ने उस जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अनुच्छेद 301 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं उठा सकता, सिर्फ मुआवजा तय कर सकता है। इसीलिए अभी से निर्माण शुरू करने में सरकार के सामने कोई बाधा नहीं है। पीएम को लिखे अपने चार पन्नों के इस पत्र में स्वामी ने राम सेतु को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय पौराणिक स्मारक की मान्यता देने की भी अपील की है। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की ओर से भारत सरकार को भेजे गए उस नोटिस का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर राम सेतु को राष्ट्रीय पौराणिक स्मारक क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चार पन्नों का एक खत लिखा है, जिनमें इन दो बातों का जिक्र किया गया, मंदिर का काम जल्द शुरू कराने की अपील की है और साथ ही उन्होंने राम सेतु को राष्ट्रीय पौराणिक स्मारक आखिर क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए, इसे लेकर भी जो सवाल उठ रहे थे उस पर बात रखी है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले राम मंदिर को लेकर काफी बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर वही बनेगा जहां हिंदुओं की मांग है और उसके बाद अब उन्होंने ये एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि गलत कानूनी सलाह सरकार के पास है। नरसिम्हा राव ने उस जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अनुच्छेद 301 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं उठा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस पर मुआवजे का ऐलान कर सकता है। तो अब ये मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी है, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कहती है। पीएम मोदी के दोबारा सत्ता संभालते ही राम मंदिर मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मसले पर आज अयोध्या में मणिराम दास छावनी में संतों की बैठक भी होगी, जिसमें मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। माना जा रहा है कि मंदिर आंदोलन को लेकर संत समाज कोई बड़ा फैसला कर सकता है। इस बैठक में अयोध्या के लगभग 150 साधु संत और धर्माचार्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता पैनल भी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसे सभी मानेंगे, इस तरह की बैठकों का कोई मतलब नहीं है। तो बीएचपी और सरकार के लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में ये बैठक बुलाई गई है और इसमें अलग अलग धर्म गुरु, संत, साधु, समाज के कई लोग पहुंचेंगे। इस बैठक से एक बड़ा संदेश, एक बड़ा ऐलान करने की भी बात कही जा रही है। तो अयोध्या में एक बार फिर से संतों की ये बैठक होगी जहां राम मंदिर निर्माण की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मध्यस्थता पैनल, एक मध्यस्थता समिति बनाई गई है जो कि दोनों पक्षों से बात कर, हिंदू मुस्लिम पक्ष से बात कर, मध्यस्थता से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगी। हालांकि मध्यस्थता में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो फिर कोर्ट अपने तरीके से इस केस को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल बीएचपी और सरकार के लोग इस बैठक में शामिल होंगे, ये सूचना मिल रही है और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का ये प्रयास है। इस तरफ देखा जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी केंद्र सत्ता में आई है और इस बार बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई है। तो धर्म गुरु और साधु संतों की ओर से ये मांग एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। इससे पहले संसद में कानून लाने की बात भी कही थी, इनकी मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी की ओर से ये खारिज कर दिया गया था। उनका कहना था कि कोर्ट में ये मामला है और कानूनी तरीके से ही इसे निपटा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या का। हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले बताएं कि कब से ये बैठक आज शुरू हो रही है।
ये बैठक 4 बजे शुरू हो रही है, जो छोटी यहाँ पे छोटी छावनी कहा जाता है, मणराम छावनी है, वहाँ पे 4 बजे बैठक होगी। पूरे अयोध्या के तमाम साधु संत वहाँ बुलाए गए हैं, राम जन्मभूमि न्यास के जो तमाम एक्टिव लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के जो तमाम लोग बैठक जो नीति निर्धारक लोग हैं वो सब उस बैठक में रहेंगे। पूरे अयोध्या में लेकिन इस बात को चर्चा है, कौतूहल है और हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी कमल नयन दास जी से, उन्होंने कहा था कि तमाम वो मुद्दे हैं जिसपे हम यहाँ पे इस बैठक में डिस्कस करेंगे। वो चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो और इसके लिए अगर संतों को कुछ करना है तो संत आगे आने को तैयार हैं। सरकार को जिस पहलू पे काम करना है वो चाहते हैं सरकार उस पहलू पे काम करे। तो कुल मिलाकर के साधु संत एक चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो और अब उसमें वो कोई विलंब नहीं चाहते हैं और इसी को लेकर के आज वो बैठक है। और अगर सरकार, उन्हें लगता है कि सरकार इसमें आनाकानी कर रही, हीला हवाली कर रही है और इस मुद्दे को सिर्फ लटका के रखना चाहती है तो सरकार के खिलाफ भी कड़े फैसले लेने से साधु समाज पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से सब जगह माहौल एक बन रहा है, इन कड़ियों को आप कैसे जोड़ते हैं? एक तरफ जगह जगह जय श्री राम के नारे लगते हम सुनते हैं, दूसरी तरफ धर्म गुरु और साधु संत अयोध्या में बैठक कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी है जो की कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने इस जमीन का जहां पर यह विवाद है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो क्या चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर, या दबाव कहें या फिर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसे लेकर कुछ कदम उठाया जाए या कोई बयानबाजी की जाए सरकार की ओर से? जी निश्चित तौर पर देखिए, संघ प्रमुख ने भी कहा था कि अब राम का काम हो करके रहेगा तो कहीं ना कहीं देश में, चूंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वो उसका वो प्रचंड बहुमत जो अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने में कहीं ना कहीं राम मंदिर का बड़ा योगदान रहा है। और चुनाव के पहले जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन को गरमाने की कोशिश कर रही थी विश्व हिंदू परिषद, उसने चुनाव के लिए अपने कार्यक्रमों को तमाम जो उसकी मांग थी उसको रोक दिया था, जिससे ये ना उस पर आरोप लगे कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो धार्मिक संगठन है ये राजनीतिक टूल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत की सरकार है और वो सरकार बनी है जिसका राम मंदिर के लिए कमिटमेंट है, तो फिर कहीं दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में वो यही साधु संत बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमारी जो बात हुई थी मैंने आपसे कहा तमाम साधु संतों से, उन्होंने वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरा देश ये चाहता है कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो और जितना विलंब होगा वो शायद उनके लिए अब कष्टकारी होगा और अब वो ज्यादा विलंब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लगती हुई हमने देखी है, बैठ रहे हैं जी साधु संतों का जमावड़ा, इससे पहले भी देखा है, इससे पहले भी बैठकें हुई हैं लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं हुआ था। बीजेपी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रास्ते की इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इस बार की बैठक में क्या अलग रहेगा? देखिए, इस बार की बैठक में अलग रहने की बात वो यही कह रहे हैं कि आपसी बातचीत से जो रास्ता निकल सकता था उस पर भी एक संभावना तराशी जाएगी। दूसरी बात, सरकार के सामने जो कोर्ट में जो पक्ष रखना है वो अपने पक्ष रखने में साधु संत क्या मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। और तीसरी बात ये है कि साधु संत अब इस बात को सरकार समझे और कोर्ट जाने कि राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, लेकिन साधु संतों को राम मंदिर चाहिए और अब इसके लिए वे कोई इंतजार करने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई अगर उन्हें करनी पड़ती है तो इसके लिए वो अल्टीमेटम देने को तैयार है। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि पहले वो तो चाहते हैं कि आपसी सहमति से बन जाए या सरकार अपने स्तर पे जो भी न्यायालय में वो परसुएट करके जल्द से जल्द उसका फैसला आ जाए, और अगर ये दोनों काम नहीं हो पा रहा है तो साधु समाज अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र है। जी जी, और जो मुस्लिम पक्षकार है क्या उनकी तरफ से भी कुछ और कहा गया है? इकबाल अंसारी का हमने बयान देखा था, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, मध्यस्थता समिति बात कर रही है, तो इस तरह की सभाओं का, इस तरह की बैठकों का क्या औचित्य है? उन्होंने कहा कि ये बैठक सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए है, सरकार पे दबाव बनाने के लिए है और अपनी आइडेंटिटी के लिए है। कोई साधु समाज या कोई संत या कोई विश्व हिंदू परिषद इसमें कोई फैसला नहीं ले सकता है जब तक यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक न्यायालय का ही, उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन इस तरह की जो बैठकें करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इससे माहौल बनने के बजाय बिगड़ेगा ही, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बात करें, कुछ हिंदू धर्माचार्य भी है जो ये कह रहे हैं इस बैठक का कोई नतीजा नहीं है, ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए है। लेकिन अब देखना ये होगा इस बैठक में क्या फैसला होता है और बैठक के बाद साधु संत अपने फैसले पर कितना अडिग रहते हैं। जिस तरह आपने कहा कि इस तरह की कई बैठकें पहले भी हो चुकी हैं, कई फैसले भी सुनाए गए हैं, कई ऐलान भी किए हैं, लेकिन जमा पूंजी कुछ भी नहीं निकली है। तो इसलिए अभी देखना होगा कि क्या ये सरकार बनने के बाद जो साधु संतों की अंगड़ाई है ये किसी काम आ पाती है राम मंदिर आंदोलन के या नहीं।
जी अखिलेश जी, जो आप कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने या फिर अपने एग्जिस्टेंट अपनी अपना वजूद दिखाने के लिए यहां पर शायद इस तरह की बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी जो कि इस बार बहुमत में है और बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को कोई तूल नहीं दी। हमने नहीं सुना कि राम मंदिर बनवाया जाएगा या इसे लेकर किसी तरह का चुनाव प्रचार किया गया हो, तो क्या वाकई ये सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए है कि हम भी इस सर्कल में मौजूद हैं, हमारी बात भी सुनी जाए, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ मात्र ये दिखाने के लिए है? देखिए, इसकी इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि कई ऐसे पक्षकार हैं, धर्मदास हैं, वो कहते हैं कि वो पूरा राम मंदिर का आंदोलन वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहती है मामला सुप्रीम कोर्ट में और अब तक जो कुछ किया गया है उसने वो किया है, तमाम ऐसे यहाँ पे धर्माचार हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर को विश्व हिंदू परिषद के कारण बहुत आघात पहुँचा है और ये तो मामला सब बिगड़ता गया है, बदते बदतर हुआ, उसके लिए कहने के विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है। देखिए, राम मंदिर का एक मामला है तो जरूर साधु संत का एक वर्ग होगा जो चाहेगा, ये दिखाना चाह रहा होगा कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर उनके आंदोलन से कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार चुनाव के घोषणा पत्र में भी इसको कोई तरजीह नहीं दी थी, सिर्फ इतना कहा था कि समाधान राम मंदिर के समाधान के लिए वो प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हालांकि उनका घोषणा पत्र में कमिटमेंट होता था कि राम मंदिर बनाने के लिए वो काम करेंगे, तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद और ये जो तमाम यहाँ पे साधु संत हैं वो कम से कम इस बैठक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि राम मंदिर और राम उनके लिए आज भी एजेंडे पे है, प्रमुख है, और इसी माध्यम से वो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, और जिस तरह के ये आरोप लगाते रहे हैं कि इससे पहले जब पहला टेन्योर था, जो पहला कार्यकाल था बीजेपी का, उस दौरान उससे पहले जब चुनाव प्रचार हुआ था तब तो कहा था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसके बाद तारीख नहीं बताई गई, क्या राम मंदिर बनेगा या नहीं उस पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसे देखकर ये भी कहा जा सकता है कि ये जो लगातार बैठकें की जा रही हैं और एक तरफ मोदी सरकार है जो कि जिसके द्वारा हम जय श्री राम के नारे तो सुनते हैं लेकिन राम को घर कब मिलेगा ये हम उनके मुंह से कभी नहीं सुनते। निश्चित तौर पर देखिए, साधु समाज यही चाहता है कि यहाँ पे जो लोगों से बातचीत हुई है कि राम मंदिर के एजेंडे में का एजेंडा सरकार के लिए कितना अहम है, वो उनके लिए क्या करने जा रही है, ये अगर सरकार इस पर कोई पहल करती है तो करेगी, अगर वो इस बात पे का इंतजार करती है कि न्यायालय का कोई फैसला आएगा फिर उसके बाद सरकार कोई काम करेगी, तो अब साधु संत इस पर विचार करने वाले नहीं है, इसके लिए उन्हें समय देने को तैयार नहीं है। तो जरूर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी दोनों प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकारें हैं वो साधु संतों को इस बात पर कितना तरजीह देती है और उनकी बात को कितना महत्व देती है, लेकिन साधु संतों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको अहमियत देना चाहिए और इसी के लिए वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है कि राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर अयोध्या से गरमाने की कोशिश की जा रही है। जी, और एक और चीज अखिलेश जी, जिस तरह से जो हिंदू धर्म के जो पक्षकार हैं इस पूरे केस को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, जब मध्यस्थता समिति की बात हुई थी तब भी वे इससे छिटक गए थे, उन्होंने कहा कि वे किसी तरह मध्यस्थता नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पूरा साफ मामला है कि ये जमीन हिंदुओं की है और यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने पहले भी इसे खारिज कर दिया, और उसके बाद अब मध्यस्थता की कार्रवाई चल रही है, समिति काम कर रही है लेकिन उसके इतर ये बैठक हो रही है, तो क्या कहीं ये भी एक संकेत है कि कोर्ट के द्वारा हम इस फैसले की रजामंदी या फिर इसका फैसला स्वीकार नहीं करेंगे और हम वही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहां सिर्फ राम मंदिर ही बने, एक ये पक्ष दिखाने की भी कोशिश है क्या? देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ये आज जो बैठक है वो किस लिए है। जो हमारे लोगों से बातचीत हुई उसमें यही है कि अब सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार अगर इस मामले में विलंब करेगी तो साधु समाज, साधु संत अपना फैसला अलग से लेंगे, लेकिन अगर सरकार साधु संतों से कोई सहयोग चाहती है कि जल्द इस मामले का फैसला हो जाए, जल्द इसमें इसका कोई समाधान निकल सके, तो वो उसको देने के लिए तैयार है। जहां तक रही बात मध्यस्थता की कमेटी ने अपने अलग अलग लोगों से बात की है, रिपोर्ट की है, लेकिन चूंकि मध्यस्थता कई बार हो चुकी है और जो दोनों पक्ष जिस बुनियादी मसले पर अड़े हुए हैं कि वो जमीन वो देने को तैयार नहीं है और राम जमीन पूरे जो 3.77 एकड़ की जमीन है उससे कम को लेने को तैयार नहीं है राम जन्मभूमि न्यास या विश्व हिंदू परिषद, तो बात बन नहीं सकती। और आप सहमति की बात जहां तक रही, वहां पे आम सहमति इसलिए भी संभव मुश्किल दिखाई दे रही है कि उससे सारे पहलुओं पर बात करके देख लिया गया है और फिलहाल आम सहमति की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए अब साधु समाज सरकार को ये कह रहे हैं कि अगर साधु समाज से कोई सहयोग चाहिए तो देने को तैयार है, लेकिन अब विलंब साधु समाज को स्वीकार नहीं है। जन समर्थन देने को वे तैयार हैं लेकिन इंतजार करने का अब वे मूड नहीं रखते हैं। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल और,
कि इसमें बताया जा रहा है कि सरकार के वीएचपी के भी कई नुमाइंदे शामिल होंगे, कौन इसमें और शामिल हो सकता है, कितनी संख्या में इस बैठक में लोग पहुंचेंगे? देखिए, इसमें संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि यहाँ पे चंपत राय जी जो पूरे मामले को देखते हैं, जन्मभूमि के मामले को, वो आंदोलन को भी देख रहे हैं और उसके कानूनी पहलू को भी देख रहे हैं, और उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। बात यह है कि अगर विश्व हिंदू परिषद इनकी बैठक पे मुहर लगाता है और कहता है कि साधु संतों के साथ खड़ा है, तो देखने वाली बात होगी कि साधु संत का फैसला क्या होता है। लेकिन कम से कम विश्व हिंदू परिषद यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार की अपनी प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, सरकार की घोषणा पत्र अलग हो सकते हैं, सरकार मंदिर के मुद्दे पे कुछ कहने से बच सकती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कम से कम ऐसा है कुछ जो साधु संतों के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधे मिला के काम करने को तैयार है, और अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो वो उनके साथ खड़ा है। तो विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने आप कहा कि थोड़े इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को कि साधु संत के समाज की बैठक में क्या फैसला होता है और राम मंदिर को लेकर उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति क्या होने वाली है। अखिलेश जी, बैठक जब शुरू होगी और उसके बाद क्या इसमें परिणाम रहते हैं ये भी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत